हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं बनाने वाली हूँ पोर्क फ्राई। मतलब हमने तो सबने खाना खा लिया सुबह को, बाबा नहीं खाया था, बाबा दुकान पे गया था, अभी लेके आए हैं पोर्क। तो मैं इसको बनाने वाली हूँ फ्राई, सुबह का सब्जी और है, तो चलो मैं अभी पोर्क फ्राई बनाऊँगी। हेलो गाइस, मैं बना रही हूँ पोर्क फ्राई। तो इसके लिए मैंने लिया है ये पोर्क, मैंने उसको धुली है और यहाँ पे प्याज काटा हुआ और ये मिर्ची, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्जी लिया है, इसके सब मैं फ्राई करूंगी। तो नहीं नफा देगा साम्राम कुफुर, साम्राम कुफुर जिन्हें लाने को बहाई देगा। यहाँ पे मैं जो गार्लिक ली है इसको, इसका अभी मैं पेस्ट बना रही हूँ। कढ़ाई गरम हो चुका, तो यहाँ पे मैं तेल डालूंगी। गर्मी लग रही है तो खिड़की खोल देती हूँ मैं, ताकि हवा आए घर में, ठंडा ठंडा मुझे हवा खाने को मिल जाए। एक भी पत्ता नहीं हिला, इतना गर्मी है, थोड़ा तो हवा आ जाओ। इस तरह भी खुल गया। और मैं बना रही हूँ पोर्क फ्राई, जो कि हम लोग बहुत खाते हैं, बोरो लोग। तेल गरम हो चुका, बहुत गरम हो गया। अब मैं यहाँ पे डालूंगी प्याज। यहाँ पे मैं अभी पोर्क डालती हूँ, यहाँ पे पानी होगा, पानी डालने से पानी है तो मैं हाथ से डालती हूँ। यहाँ पे चला गया पोर्क, तो मैंने जो थोड़ा सा पेस्ट किया था ये मैं थोड़ा सा दूंगी अभी। मैंने तो सुबह को भी खाना खाया था, कल का जो चिकन बचा था, मैं तो रात को, मैंने रात को खाना नहीं खाया था ना, तो चिकन मेरा रात का मेरा चिकन रखा था, तो मैंने सुबह को भी खा लिया। तो अभी बाबा पोर्क लाया है तो मैं इससे भी और खाऊंगी। हमारे घर के सामने जेसीबी का काम चल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अंजलि आ गया, उसका क्लास था, मेरा क्लास नहीं था, मेरा बंद मिला है मुझे 3 डेज, उसके बिहू के साथ साथ मुझे और भी ज्यादा दिन बंद मिल गया, मेरा एग्जाम है इसलिए बंद मिला। अभी आया ये क्लास से, दरवाजा बंद करती हूँ, नहीं तो हमारा रास्ते के सामने है तो कोई भी घुस सकता है घर के अंदर। योमी, मिकी कहाँ चला गया? योमी, दीदी आज मिठाई नहीं लाया,
सेंडल को भी सिंह तीन लाइ यहाँ पे ना हमारे घर के सामने बीजेपी ऑफिस बनाया था, तो यहाँ पे बिल्डिंग घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मिकी मिकी ये वो देखो वहाँ पे ये क्या कर रहा है आते ही। देखो मेरा फ्लावर, मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है लेकिन यहाँ पे इतना गर्मी है ना, यहाँ पे फूल रखा ही नहीं जाता। ये देखो आई लव गार्डनिंग। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्लावर्स रखा है, और भी रखना था लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे फूल गार्डन करने वाली थी, इतना गंदा हो गया। ये फेडीफील से लेके आया था ये मिट्टी, तो साथ में वो जो होता है ना ये निकलता है ना, इतना निकल गया। देखो ये हम खा भी सकेंगे इसको हम खाते हैं चिकन के साथ, बहुत मजा आता है मुझे। और ये जो रोज है ना, ये फ्लावर क्या बोलते हैं उसको, इसको एक दादी ने दिया था मुझे। क्या हुआ करो, हसीनों का दीवाना सारा जमाना। ज्यादा डूब गया, नहाओ। ये रहा बेटर जाने नहीं ले मैंने नहीं बेटर सोने के खच्चर था भी ले मैंने नहीं। मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। यहाँ पे मैं डालूंगी अभी नमक और हल्दी। मैंने हल्दी और नमक दे दिया, अभी इसको मिक्स करते हैं। क्या होता है इसको, मसाला का यूज नहीं करते हम लोग ज्यादा, मतलब हम लोग खाते ही नहीं ज्यादा, जीरा खाते हैं, मीट मसाला कभी कभार, अगर हम सॉरी पोर्क और चिकन में हम लोग ज्यादा मसाला नहीं डालते। अगर वो मटन खाते हैं और अलग सा कुछ, तब हम मसाला देते हैं, नहीं तो सिंपल ही खाते हैं हम लोग, प्याज और हल्दी नमक और क्या बोलते हैं उसको, चिली को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये सभी डालते हैं हम लोग, बंद कर देते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ पे अभी डालूंगी ये जो मैंने काट के रखा था ये सब्जी, इसके साथ मैं फ्राई करूंगी, इसको भी हाथ से डालूंगी। पोटैटो सभी की मन पसंद सब्जी। ये चला गया, इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा ढक्कन से बंद करके रखेंगे। उसके बाद थोड़ा बंद करने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगी पानी, और पानी डालने के बाद अच्छे से पकाएंगे। क्या मेरा एक हाथ हो गया ना, तो अगर गिर गया ना तो मार खाएंगे। स्टैंड कहाँ गया मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए मुझे मोबाइल को हाथ से ही पकड़ना पड़ा। मुझे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ढक्कन से थोड़ी देर बंद करेंगे, उसके बाद पानी देंगे, उसके बाद अच्छे से पका के हम लोग खाएंगे। ये बाहर आ गया था नहीं, ये देखिए मिक्की भी वेट कर रहा है ना खाना खाने के लिए। मिक्की मेरा बच्चा, मिक्की योमी यहाँ पे, योमी या वाओ
अभी मैं यहाँ पे डालूंगी पानी। पक्का खाने के लिए आई हूँ। बहुत ही गर्मी है बाहर, देखो धूप इतना है, देखिए इतना धूप है, बाप रे बाप। हवा खाने के लिए आ गई हूँ। पॉट पे मैंने पानी डाल दिया है अभी, और अब उसको ड्राई करेंगे, पानी को पूरा सुखाएंगे। तो तब तक के लिए मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। अभी हवा आ रही है, नहीं तो आज हवा का नाम भी नहीं है। देखिए थोड़ा थोड़ा हवा आ रही है, पत्ते थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। आ जाओ और भी ज्यादा आ जाओ, बाकी के दिन में तो इतना हवा चलता है, आज क्या हुआ। लेकिन ये देखिए कितना भी सफाई करूं सुबह को उठ के, ये पत्ता तो नीचे आता ही है ज्यादा ही ज्यादा। कितने बार सफाई करूं घर की, इस तरफ भी, इस तरफ देखिए। तो फ्रेंड्स मेरा ये देखिए हो गया। फोर्क, ये सब तेल है, ये पक गया अभी। ये फ्रेंड्स मेरा पोर्क फ्राई हो गया। वाओ वाओ, मुझे ये वाला आलू बहुत पसंद है, ऐसे आलू खाने को। हो गया अभी खाना खाते हैं, और खाना खाऊंगी मैं अभी। और आलू के साथ, वाह। सुबह का सब्जी था ये, ठंडा ठंडा, गर्मी के टाइम में मुझे ये सब वाला सब्जी बहुत पसंद है। लौकी का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पत्ते के साथ वो जो होता है वो, उसके आलू के साथ बनाया था उसे। हाँ टोमेटो भी दिया है शायद मम्मी ने, बहुत ही टेस्टी है। उमा बेडोर बताए न बैठ ठा उठाओ जाबाय थाथाव थाव ओमफ्राय जाबाथाय आं गायबाय आरो अखानाय लुबैफिनबाय बरिया। ने ओंखाम एसे लाबाय ओमफ्राय आं फांनाय जाया ओंखामखौ, ओमफ्राय जाखाबाय नालाय लोगोफोर। थ' लोगोफोर आं ओंखाम जानानै लागोरनोसै दे, नोंसोरदो ओंखाम जाखानानै दा फैफिनगोन आं।
सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा खाना खाने के बाद वीडियो आधा रह गया था, मतलब मैं आप लोगों के साथ वापस आऊँगी बोला था लेकिन नहीं हो पाया। खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी मुझे बहन के साथ बाहर जाना पड़ा, काम था थोड़ा, तो बाहर तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, मैं थोड़ा सा बनाया था लेकिन आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा ऐसा सोच के मैंने सोचा कि मैं अपलोड नहीं करूँ ऐसा, क्योंकि मैंने बाहर ज़्यादा बात भी नहीं किया था, इसलिए मैंने आप लोग को बाय नहीं बोला था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बाय बोलूँ, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्या बनाऊँ। और मैंने सोचा था कि तू भी कंटिन्यू करके बाद मैंने नेक्स्ट वाला वीडियो में अपलोड करूँ, लेकिन बाहर का ज़्यादा वीडियो नहीं हो पाया, मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, काम में इतना लग गया कि वीडियो बनाना ही भूल गया। सो मेरा हमेशा वीडियो ऐसा होता है कि आधा आधा होता है, मतलब फुल नहीं होता है, और आप लोगों के साथ बात भी नहीं होती है, इसलिए मैं सोचा कि इस बार बात करके अच्छे से बाय बाय बोलूँ आप लोगों को। तो सो गाइस, मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, एंड मेरा ब्लॉग इतना ही था, तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।